जबलपुर उच्च न्यायालय ने दैनिक वेतन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए और 120 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों एवं रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। मध्य प्रदेश दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल चंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जनवरी 2004 को उनके द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार जबलपुर उच्च न्यायालय ने दैनिक वेतन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए एवं 120 दिन में सभी कर्मचारियों सहित रिटायर्ड कर्मचारियों का भी पूर्ण भुगतान किया जाए। उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को दैनिक वेतन स्थायी कर्मी के फेवर में बड़े ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोला है कि स्थायी कर्मी ये पॉलिसी नहीं चलेगा, आपको जो समझौता हुई थी 2004 में उसके तहत सारे दैनिक वेतन भोगियों को 120 दिन के अंदर नए लिस्ट बनाते इनको 120 दिन के अंदर रेगुलर करते। देखिए श्री गोकुल चंद राय जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष थे उनके द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि लोक अदालत में जब सरकार से समझौता हुआ था कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा तो सरकार ने नियमित ना करते हुए स्थायी कर्मी बना दिया। स्थायी कर्मी बनाने के बाद नियमित कर्मचारी जैसे सुविधाएं लाभ मिलने थे वो स्थायी कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगियों को नहीं मिले, जिसके बाद गोकुल चंद्र राय जी ने फिर पुनः अपील की कि लोक अदालत के जो समझौता हुआ था उसको सरकार किसी भी तरह डिनाई नहीं कर सकती, उसे निकले अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। तो गोकुल राय जी फिर दोबारा से जबलपुर हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह फैसला सुनाया है कि स्थायी कर्मी वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, आपको सीधे सीधे इनको नियमित करना पड़ेगा जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, और नियुक्ति दिनांक से ही नियमित करना पड़ेगा और नियुक्ति दिनांक से ही सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, चाहे आपको चार बैंकों से कर्जा लेना पड़े चाहे पांच बैंकों से कर्जा लेना पड़े। जिस तरह लाडली बहना को आप पैसा ले दे गए उसी तरह दैनिक वेतन भोगियों को भी कहीं से भी लाके पैसा देना होगा नियुक्ति दिनांक से, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी रिटायर्ड हो गया है या अभी वर्तमान में काम कर रहा है, सबको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।